दुखेषु अनुदिग्रमनः सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोधः स्थित धीमुनि उच्यते। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले मनीषी की तीन प्रकार से व्याख्या करते हैं। वे सुख की लालसा को त्याग देते हैं, वे भय मुक्त होते हैं और वे क्रोध रहित होते हैं। आध्यात्मिक चेतना में लीन मनुष्य अपने मन में नश्वर भौतिक ऐश्वर्यों, क्रोध, लालच और शत्रुता आदि को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। इसलिए उनका मन लोकातीत चिंतन में स्थित और दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है। यदि कोई मनुष्य अपने मन को दुखों की चिंता करने की अनुमति देता है, तब दिव्य ज्ञान का चिंतन समाप्त हो जाता है और मन ज्ञानातीत अवस्था से पतन की ओर चला जाता है। दुखदायी कार्यों की गति इसी प्रकार होती है। वर्तमान पीड़ा से अधिक अतीत की पीड़ा का चिंतन और भविष्य की पीड़ा की आशंका मन को संताप देती है, किंतु जब मन इन दोनों का चिंतन छोड़ देता है और केवल वर्तमान संवेदना को सहजता से टटोलता है, तब पीड़ा आश्चर्यजनक ढंग से संकुचित होकर सहनीय और पहले से कम हो जाती है। यह सर्वविदित है कि बौद्ध भिक्षु आक्रमणकारियों के उत्पीड़न को सहन करने के लिए यही विधि अपनाते थे। इसी प्रकार यदि मन बाहरी सुखों के लिए लालसा करता है और संसार के विषय भोगों की ओर भागता है और फिर पुनः दिव्य आध्यात्मिक चेतना से विमुख हो जाता है, इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनीषी वह है जो मन को सुखों के लिए ललचाने और दुखों के प्रति शोक प्रकट करने की अनुमति नहीं देता। इसके अतिरिक्त मनीषी मन को भय और क्रोध के आवेग के आगे पराजित होने की अनुमति नहीं देता। इस प्रकार मन ज्ञानातीत अवस्था में स्थित हो जाता है।